हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी यहां पर आ चुकी है। मध्य प्रदेश नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए यहां पर बहुत ही अच्छी अपडेट यहां पर आ चुकी है। एक और नर्सिंग की वैकेंसी यहां पर जारी कर दी गई। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आ चुकी है नर्सिंग संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पद हेतु भर्ती सूचना यहां पर जारी कर दी गई। तो फ्रेंड्स, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे कि वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, कब तक अप्लाई करना, लास्ट डेट क्या है, इन सब की जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं डायरेक्टली अपडेट पर, देखते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है, कितनी वैकेंसी है, और जो भी जानकारियाँ हैं वो यहाँ से आपको इस PDF से मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी की गई है वो कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी मध्य प्रदेश से नोटिफिकेशन जारी की गई है। यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC शिवपुरी से ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए जारी की गई है। GMC शिवपुरी से वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सिंग संवर्ग की सीधी भर्ती के रिक्त पद हेतु भर्ती सूचना, यहाँ पे पूरा ये रूल बुक यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन संख्या 19 और मध्य प्रदेश स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय सेवा आदर्श नियम 2018 संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी अनुसूची पत्र क्रमांक संख्या 19 डेट 19 ठीक है। उसके बाद परिपालन में श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया चिकित्सालय आवली चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में नर्सिंग संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने हेतु शासकीय नर्सिंग स्कूल आवली शासकीय आवली स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से आवेदन पत्र MP ऑनलाइन के माध्यम से निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया चिकित्सालय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में, वो जो भर्ती रहेंगे सीधी भर्ती के अंतर्गत रिक्त पद रहेंगे। और ये जो वैकेंसी है इसमें आप कौन कौन से कैंडिडेट, कहाँ कहाँ के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, शासकीय नर्सिंग स्कूल से जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं या फिर जो शासकीय महाविद्यालय से या नर्सिंग स्कूल से पास है, या फिर स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय से जो उत्तीर्ण कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट से यहाँ पे आवेदन जो है मांगा गया है। MP ऑनलाइन के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे आवेदन करना है। MP ऑनलाइन के थ्रू जो आप लोगों को आप आवेदन करना है वो iforms.mp.online.in के माध्यम से आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पे अभी आप देख सकते नहीं दी गई है, और वो अभी आप आगे हम आपको बताएंगे जहाँ पे दिया गया है। शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पदों की संख्या, तो वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। पद का नाम यहाँ पे जो है वो नर्सिंग ऑफिसर है, केवल महिला यानी कि ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। महिला ऑफिस जो है महिलाओं के लिए वैकेंसी निकाली गई है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, पद और आरक्षण तालिका है पृथक भरा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UR में जो वैकेंसी निकाली गई, वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें UR कैटेगरी में आप देख सकते हैं नील में आप देख सकते हैं ओपन महिला की कितनी सीट्स हैं और भूतपूर्व सैनिक की कितनी सीट्स हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। फिर दिव्यांग में यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सीट्स हैं। तो टोटल यहाँ पर UR कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे बात करें UR कैटेगरी की, तो यहाँ पे UR कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है, और यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक में नील में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं महिला की 6 वैकेंसी है ठीक है, और जिसमें UR की 3, दिव्यांग की 3 है, टोटल 9 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। EWS में आप देख सकते हैं नील में कोई वैकेंसी नहीं है, और भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत 2 वैकेंसी महिला कैंडिडेट्स के लिए है, और EWS की 1 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है दिव्यांग के लिए। तो टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जाति SC के लिए यहाँ पे देख सकते हैं महिला कैंडिडेट्स के लिए 2 भूतपूर्व सैनिक के लिए, और अनुसूचित जाति में दिव्यांग में 2 सीट, टोटल 4 सीट्स यहाँ पे हैं। ST के अंतर्गत 2 सीट्स आप देख सकते हैं नील महिला की हैं 2 सीट्स, और 5 सीट जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं, और 3 सीट जो है दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो टोटल 10 सीट्स जो है ST कैटेगरी के लिए हैं। OBC के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सीट्स जो है महिला कैंडिडेट्स के लिए हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए, और 4 सीट्स जो हैं
दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए टोटल 10 सीट्स जो यहाँ पे रहेंगी। तो इस तरह से आप देखें तो नील महिला में 2 सीट्स हैं और भूतपूर्व सैनिक में महिला 21 की सीट है और 13 सीट्स जो हैं दिव्यांग की। टोटल 36 वैकेंसी यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है जो पद नाम नर्सिंग ऑफिसर केवल महिला के लिए 20% संविदा कर्मियों के लिए जो आरक्षित सीट है उसके अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी है। तो वो सीधी भर्ती के अंदर ये 20% संविदा कर्मियों के लिए जो आरक्षित सीट है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई। इसमें आप देख सकते हैं यूआर की अगर बात करें तो एक यहाँ पे महिला की ये और एक जो है अनारक्षित की दिव्यांग में टोटल 2 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी महिला भूतपूर्व सैनिक की है और ईडब्ल्यूएस में कोई सीट्स यहाँ पे जो है दिव्यांग की नहीं, टोटल 1 सीट है। एससी की 1 सीट यहाँ पर आप देख सकते हैं और 2 सीट्स यहाँ पर दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए, तो टोटल 1 सीट यहाँ पर, तो टोटल 2 सीट्स हैं। एसटी के लिए 1 सीट यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल के लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए है और 1 सीट जो है दिव्यांग के लिए टोटल यहाँ पर, और एक नील में है तो टोटल 3 सीट्स यहाँ पे रहेंगी। ओबीसी में 1 सीट आपकी देख सकते हैं भूतपूर्व महिला सैनिक की है और 1 सीट ओबीसी की दिव्यांग की, टोटल 2 सीट्स यहाँ पे, तो टोटल 10 सीट्स यहाँ पे इस तरह रहने लगी हैं। तो 10 सीट्स या 36 सीट्स या टोटल 46 सीटों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई, 46 पदों के लिए वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। तो ये तो हो गई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन, कितनी कितनी वैकेंसी हैं, कहाँ पे वैकेंसी हैं, किस कैटेगरी में वैकेंसी, इन सब की जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो ये आप सभी लोग देख सकते हैं ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, भूतपूर्व महिला के लिए है, भूतपूर्व सैनिक कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए है, भूतपूर्व और उसके साथ साथ दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखी गई स्टाफ नर्स के लिए वो आप देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दी गई है। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ 10+2 यानी कि इंटर जो आपका होना चाहिए एंड 10+2 जो आपका होना चाहिए वो बायो से होना चाहिए, 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में आपका शासकीय बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं जेट प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित होना चाहिए। तो शासकीय नर्सिंग कॉलेज या स्वशासकीय नर्सिंग महाविद्यालय से या फिर शासकीय महाविद्यालय से आपका बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपके पास मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का लाइव रजिस्ट्रेशन यानी वैध पंजीयन रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब जो स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्त होगी उसके लिए यहाँ पे दे सकते हैं शासकीय नर्सिंग स्कूल महाविद्यालय के उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा व्यय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्क्रूटनी में उपयुक्त पाए जाने पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 3 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक 10,000 प्रतिमाह पर की जाएगी। 3 माह पश्चात अभ्यर्थी का नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपका भी कोई जो है रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, ना आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट आपका स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी में जो कैंडिडेट्स उपयुक्त पाए जाएंगे उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। प्रथम 3 माह के लिए आपको 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी जो है, उसके बाद यहाँ पर आपको 3 महीने बाद जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तब आप यहाँ पे परमानेंट हो पाएंगे, यानी कि जो है परमानेंट होने का बहुत ही अच्छा अवसर यहाँ पे आप लोगों के लिए है। वेतन मान और अन्य भत्ते जो रहेंगे वो महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते जो है मध्य प्रदेश शासन नियमानुसार लागू होंगे। आरक्षण की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई वो आप सभी लोग देख सकते हैं। बात कर लें आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 रुपये रखा गया है और आरक्षित श्रेणी जो भी है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, वो क्रीमी लेयर में आप देख सकते हैं 500, गैर क्रीमी लेयर जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तथा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी हैं और निःशक्तजन महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है। उक्त आवेदन शुल्क के अंतर्गत एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 170 रुपये आपको प्लस जीएसटी शुल्क आपको देना होगा। तो ये हो गया आवेदन शुल्क, ये आवेदन शुल्क आपका रहेगा। एज लिमिट आप देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग 18 से 40 वर्ष और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 18 से 45 वर्ष यहाँ पर रखी गई। एज की कैलकुलेशन जो आपकी की जाएगी, कैलकुलेट की जाए 1 जनवरी 2023 के डेट पर की जाएगी। सामान्य शर्तें वगैरह क्या हैं वो भी यहाँ पर दी गई हैं। उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का मूल निवासी यानी कि एमपी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर एमपी के मूल निवासी हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो है ये शर्तें हैं, इनको आप एक बार रीड जरूर कर लें। ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करें, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ नहीं प्राप्त हो रही है, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके चयन प्रक्रिया का जो क्या रहेगी वो यहाँ पर देख सकते हैं, वेटेज वगैरह सब पूरा चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, कितना कितना परसेंट आपका कितना कैसे जुड़ेगा। बीएससी का 25, जीएनएम का 20, एमएससी है 5, टोटल 100 मार्क्स का आपका रहेगा। बीएससी जीएनएम का 50% आपका परसेंटेज रहेगा, 12th का आपका 20 मार्क्स के, इसी तरह से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा और कब से इसकी लास्ट डेट, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई। तो हम आपको डायरेक्ट एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं mponline.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे चेक भरना है। तो आपको बता दें आपको iforms.mp. इसके थ्रू आपको भरना है। iforms.mponline.gov.in की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे, iForms गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ से आपको जो है भरना है। तो वहाँ पे ले जाकर हम रूल बुक वगैरह डाउनलोड करना भी बता देंगे, वहाँ से कैसे भरना उसकी इन्फॉर्मेशन भी, कहाँ से भरना उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फिर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे इसके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। जनतिथि के समर्थन के लिए हाईस्कूल आवेदित पत्र है, निर्धारित अर्हता के समर्थन में डिग्री, डिप्लोमा, फाइनल ईयर की मार्कशीट वगैरह होना चाहिए, मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, नवीन फोटो में हस्ताक्षर हो, 12वीं की अनुसूची, जाति प्रमाण पत्र और प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं हस्ताक्षर से 200 KB के आकार से अधिक ना हो, ये भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिल करना यहाँ पे बताया गया है, तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन एमपी ऑनलाइन के थ्रू अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आपको सीधे हम आपको बताते हैं कैसे करना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आगे आपको हम देने वाले हैं। तो ये यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई, इसको आप एक बार रीड जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स, सिंपली आपको जाना है iForms गूगल पे और वहाँ पे iForms एमपी ऑनलाइन, यहाँ पे मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, ये आपको फिल करना है। यहाँ पे iForms एमपी ऑनलाइन .gov ये डालना है आपको, iForms यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, iForms एमपी ऑनलाइन यहाँ पे करना है। जैसे इतना आप डालेंगे उसके बाद यहाँ पे आप इस पर क्लिक करने, इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला लिंक आपको सबसे पहला मिल जाएगा, iForms एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं iForms कल यहाँ पे ओपन होकर आ गया। यहाँ पे मध्य प्रदेश की जितनी भी वैकेंसी आती हैं वो यहाँ पे जो इसके थ्रू एमपी ऑनलाइन के थ्रू भरी जाती हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको आना, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीमंत राज माता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिवपुरी की नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर रूल बुक यहाँ से, जैसा कि PDF आप देख रहे थे वो रूल बुक यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर 1/8/2023 से आवेदन आपका स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 1 तारीख से यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो चुका है, 1 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30/8 है, यानी कि 30 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 30 अगस्त 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ एक इंटरफेस ऐसा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, फिर आपको आगे फॉर्म फिल करने की प्रोसेस मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है, पूरी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दी है, फॉर्म कहाँ से भरना है, नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगी, इन सब की जानकारी आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दी। आई होप ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।